सो माय स्विफ्ट फर्स्ट एक्सीडेंट या फिर ओवर स्पीडिंग डिड दिस, अगर मैं ये टाइटल नहीं डालता तो कोई भी नहीं खोलता। पूरा दिखाऊंगा भाई मेरी स्विफ्ट में आगे से क्या हुआ है, कितने स्क्रैच लगे हैं, क्या कुछ हुआ है, किस वजह से हुआ है वो भी बताऊंगा। बट उससे पहले आप ये पूरी वीडियो देखिए, बिकॉज आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें शेयर कर रहा हूँ। और भाई थोड़ी सी भी इंसानियत होगी ना, देखो मेरे को आपसे डोनेशन नहीं चाहिए, मेरे को आपसे रुपए नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, डाउनलोड करके, लाइक करके, कमेंट करके आगे तक पहुँचा दीजिएगा। क्योंकि भाई आज मैं आपके सामने तीन चार चीज़ें कुछ ऐसी लेके आऊँगा कि आपका देख के सच्ची में दिल पिघल जाएगा कि भाई ऐसे कोई कैसे कर सकता है किसी जानवर के साथ। तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो में बने रहिएगा और मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में खाने का। गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी जो है मैं एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग करने के पीछे रीजन क्या है, मैं भाई नीटू को लेने जा रहा हूँ। नीटू कौन है मैं आपको बताता हूँ चलते चलते, एंड एक बार नीटू को ले लूँ उसके बाद मैं बताऊँगा। बेसिकली भाई अपने घर के बाहर जो स्ट्रे डॉग्स रहते हैं भाई, वो बीमार जब हो जाते हैं तो नीटू को बताते हैं हम लोग, और नीटू ने आके मतलब इंजेक्शन लगाता है और वो ठीक करता है भाई, काइंड ऑफ डॉक्टर ही है नीटू भी। तो अभी जो मैं लेने जा रहा हूँ, और भाई कंबल से अभी निकला हूँ और इतनी सर्दी लग रही है जिसकी कोई हद नहीं। इस पर आया हूँ मैं, और भाई ये सुबह सुबह थोड़ी सी स्टार्ट होने में इतनी मतलब वो करती है, अगर सेल्फ पे स्टार्ट हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर किक मारते मारते पागल हो जाओ। और मैं यहाँ पे खड़ा था, अभी नीटू का वेट कर रहा हूँ मैं, जैसे कि बता दिया था नीटू को लेके जाऊँगा, एक अपना जो बच्चा है वो बहुत बीमार है उसके लिए भी नीटू को लेके जाता हूँ मैं, और वहाँ पे जाके देखते हैं भाई। इंजेक्शन तो मैं ले आया था एक बायोटेक का, तो चलते हैं। एंड गाइस आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके घर के आसपास कोई कुत्ता हो और वो बीमार हो, छोटा हो, तो भाई उसके इंजेक्शन लगवा दो, क्योंकि एक दो महीने बहुत क्रूशियल होते हैं, और इसमें अगर वो भाई निकल गया, बच्चा निकल गया, तो वो एकदम से बच जाएगा। एनीवेज अभी नीटू बोला 5 मिनट में आएगा, तो वेट करते हैं। ये भी मैं रिकॉर्ड वैसे नहीं कर सकता, बट आपको दिख रहा होगा भाई कितने कुत्तों के बीच में खड़ा है नीटू, आपको दिख रहा होगा। तो भाई ये बहुत बड़ा मतलब अच्छा आदमी है, ये बोलूँगा मैं। आप देख सकते हो बोरा नीटू, और भाई ये एक भी रुपया नहीं लेता है काम करने का, एक भी रुपया नहीं लेता, इतना बढ़िया लड़का है, एक भी रुपया नहीं लेता। इसको मैंने पूछा भी है भाई, सब कुछ फ्री में करता है, जितने भी कुत्तों का इलाज है सबका सब, अभी आपको दिख रहा होगा जितने भी इलाज है सबका फ्री में करता है, बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा। ठीक आया था मैं इसके, सो ऐसे इंजेक्शन लेके आया था मैं इसके लिए, बेसिकली बुखार का इंजेक्शन होता है, आप लोग भी देख लो इन केस अगर आपको लगवाना हो अपने किसी मतलब आस पास कोई कुत्ते का बच्चा हो छोटा सा। एनीवेज अभी जो है मैं भाई को दे देता हूँ इंजेक्शन लगाने के लिए। बुखार है नीचे कम है, सो गाइस अभी जो है भाई मैं ये लेके जा रहा हूँ दवाई उसकी बच्ची की। तो बेसिकली उसको भाई पारवा हो गया, पारवा एक वायरस होता है जिसमें मतलब बचना मुश्किल तो नहीं होता, बट हाँ बहुत ज़्यादा इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है। तो अभी जो है मैं दो दवाइयाँ लेके जा रहा हूँ, DNS है और डेक्सा समथिंग 2 ml के आसपास है, तो लेके जाता हूँ और उसके बाद लगवाते हैं भाई। इस ओल्ड कमेटी है, पुरानी कमेटी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इनका पूरा रहने का बंदोबस्त कर रखा है नीटू भाई ने, और ये दिख रहे होंगे आपको इन दोनों की जो रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। सो गाइस ये पहले कभी कमेटी ऑफिस होया करता है पुराना, और अब जो है इसको नीटू भाई ने मतलब इसमें बदल दिया है। एनीवेज भाई इनके ऊपर जो है कोई गाड़ी चढ़ा गया था, और आपको देख सकते हो छोटी सी बच्ची जो है उसको पारवो रखा है, और इसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, इसकी भी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, तो अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसकी आइज देखो कितनी इनोसेंट है, कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी आंखें। गाइज आप लोगों को ये वीडियो ज़्यादा पसंद आए, बट आप लोगों की सिर्फ एक ओवर स्पीडिंग के कारण ये देख सकते हो आप ये हाल है, वो नहीं चल पा रहा। और रीज़न क्या है, दो गाड़ियों ने भाई इनको टक्कर मारी, इसको अलग गाड़ी ने मारी, इसको अलग, हालत देख सकते हो आप, उसकी रीढ़ की हड्डी जो है टूट चुकी है पूरी। एकदम सही कुत्ता था, एकदम सही से चल सकता था, आज वो खड़ा नहीं हो पा रहा, सिर्फ किसी की ओवर स्पीडिंग के कारण, किसी की लापरवाही के कारण। भाई बिल्ड क्वालिटी सेफ्टी सारी गई भाड़ में, ये देख सकते हो टॉयलेट भी नहीं कर पा रहा है भाई, वो टॉयलेट भी नहीं कर पा रहा है सही से। तो प्लीज़ थोड़ा सेंसिबल तरीके से चलाओ, आज मेरा वीडियो लाने का यही उद्देश्य था, यही मकसद था। आप हालत देख सकते हो भाई इसकी, और वो खाना खाने के लिए आया वहाँ तक, उसमें एक बिस्किट पड़ा है,
इसको भी दूध वूध सब दिया जाएगा, बट आपको सिर्फ दिखाना है मेरे को कि आपकी सिर्फ एक ओवर स्पीडिंग के कारण किसी की ऐसी हालत हो सकती है। उसको इतनी भूख लगी वो बिस्कुट खाने की ट्राई कर रहा है। देखो और वो भी खड़ा नहीं हो सकता, एकदम उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। ये छोटी सी बच्ची है, इसको भी हो रखा है कुछ, बट ये दो बहुत बड़े कारण है, देख सकते हो। तो गाइस इसको भूख लगी हुई और मैंने उठा के दे दिया, देख सकते हैं। एंड गाइस पॉटी उसकी वहीं पे निकल गई है। बहुत अजीब लग रहा होगा आपको देखने में, बट हालत देख सकते हो आप, किसी की ओवर स्पीडिंग का कोई और भुगत रहा है। सिर्फ दो मिनट के मजे सिर्फ तेज चलाने की वजह से, आप देख सकते हो। प्लीज़ ओवर स्पीडिंग मत करें गाइस, प्लीज़ ओवर स्पीडिंग मत करें, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट। सेफ्टी आपकी गाड़ी के 3 स्टार 4 स्टार आपको बचा देंगे, इनकी ऐसी हालत समझ सकते हो। पेन में है ठीक है, पेन किलर लग गया खाली सो गाइस देख सकते हो, खाना नहीं खा पा रहे, उससे खाना गिर गया नीचे, हालत समझ सकते हो आप। छोटी सी एक चोट लग जाए उससे आप लोग कितना वो होता है, और वो देख सकते हो वहीं पर रह गया, देख रहे हो आगे नहीं जा पाएगा वो। गाड़ी चढ़ाई है सिर्फ एक, किसी ने सिर्फ एक गाड़ी चढ़ाई है, कहाँ जाएगी आप लोगों की बिल्ड क्वालिटी। इसका खाना यहाँ पे पूरा था थोड़ी देर पहले, उसने उठने खाने की कोशिश करी, खाना गिर गया। तो गाइस यहाँ पे भाई एक तो देखो ये मर चुका है यहाँ पे, और एक ये दो हैं, इनको भी देखो अब दूध मिलेगा वहाँ पे, बेसिकली इनका दूध पिलाया जाएगा, दूध और रोटी, क्योंकि इनको पता है कि मतलब इनके लिए खाना आया है यहाँ पे, दिख रहा होगा ना। और भाई रोड के ही हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कोई स्पेशल है, जहाँ पे भी आप लोगों को मौका मिले भाई वहाँ पे आप लोग भी थोड़ी बहुत जो है रोटी वोटी डाल दो भाई, कुछ नहीं लगता है घर की वेस्ट रोटी आप लोग डस्टबिन में फेंको, उससे बढ़िया इनको खाने में दे दो यार। तो गाइस ये देख सकते हो आप भाई, ये लगा हुआ, ये एकदम पेंट उखड़ा हुआ है, ये लगा हुआ है एंड आगे की बात करूँ तो ये लगा हुआ है, तो मतलब कुल मिला के जो है भाई यहाँ से तो पूरा पेंट निकल ही गया, ठीक है। ये दिख रहा होगा पूरा पेंट जो एकदम निकल गया है, ये जो है ये निकल गया है भाई, ये निकल गया इधर से हो गया, तो ये चीज़ है। सो गाइस हम लोग कई बार भाई नशे करके या फिर तेज गाड़ी चलाने के चक्कर में भाई कुत्तों पे चढ़ा देते हैं, और वहीं पे कोई इंसान हो, कोई किसी की इंसान पे गाड़ी चढ़ाएगा तो एम्बुलेंस आती है, कई चीज़ें आती हैं, उनको उठा के लेके जाते हैं, लोग बाग भी जो होते हैं इंसानों को देखते हैं, बट कुत्ते और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके बारे में कोई नहीं सोचता। मैंने आज आपको दिखाया भाई दो केस हैं जिसमें पूरे बड़े कुत्ते हैं, उनकी एज बहुत अच्छी है, एंड हम लोग कुछ दिन लॉकडाउन में रहे थे, उसमें हम लोग अंदर बहुत ज़्यादा सफोकेट फील करने लगे कि भाई हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, हम लोग भुटके बंद हो रहे हैं, एंड उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बस एक उस छोटे से रूम में जीती। तो गाइस मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो मेरा बनाने का मेन एंड सोल पर्पज़ यही था कि भाई प्लीज़ ओवर स्पीडिंग मत करिए, प्लीज़ तेज मत चलाइए, बिकॉज आपके सिर्फ दो मिनट के फन में अपने सोना बाबू पुच्चू को दिखाने के लिए कि आप कितनी तेज़ गाड़ी चलाते हैं, या फिर आप कैसे दारू पी के थ्रिल करके गाड़ी चला सकते हैं, आप किसी जानवर पर चला सकते हैं। एंड भाई गलती से अगर किसी से चढ़ भी जाती है तो उसके बाद भी वो लोग जरूरी नहीं समझते कि भाई हाँ हम लोग उनको उठा के ट्रीटमेंट कर दें। गाइस हड्डियों का मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, बट जितना मैंने पूछा था, अगर किसी पे आप गाड़ी चला देते हैं कुछ कर देते हैं, उसको आप उसी टाइम जाके हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तो शायद चांसेस हैं कि उसकी जो बोन फ्रैक्चर हुई है वो वापस जुड़ सकती है, बट आप रात के अंधेरे में उसको ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं तड़पता हुआ, वो ज़िंदगी से तो मर चुका है, बस उसमें सांस सांस बाकी है। तो गाइस प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, तेज़ मत चलाइए, ओवर स्पीडिंग मत करिए, किसी का बच्चा कुत्ते का बच्चा भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उसमें भी उतनी ज़िंदगी है जितने आपके बच्चे में होगी या किसी और के बच्चे में होगी। तो गाइज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, ना मुझे कोई डोनेशन चाहिए ना मुझे कोई कुछ चाहिए, बस आप लोगों से ये दिखाना था। रही बात मेरी स्विफ्ट की भाई, तो मैं आपको दिखा दूँ मेरी स्विफ्ट पे क्या हुआ, बिकॉज मुझे क्लिकबेट नहीं करना, ये सब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसके पीछे रीज़न ये था कि मैं विवेक के साथ गया हुआ था कुछ काम कराने, एक अंकल ने आगे बाइक लगा रखी थी, जब बाइक निकाल रहे थे तो उस टाइम उनसे थोड़ा सा आगे टच हो गया, जिसकी वजह से स्क्रैचेस हो गए।
तो गाइस मेरा मेन एंड सोल वीडियो का टाइटल आज रखने का यही था कि आप जो मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो एंड तक भी देखी होगी, एंड जो मैं समझाना चाहता था मेरे दोनों चैनल्स पे वीडियो आएगी, हर्ष शान वाले भी हर्ष व्लॉग्स वाले भी मेरा मैसेज जो है कन्वे होगा। अगेन बोल रहा हूँ, कोई रुपया नहीं चाहिए आपसे, कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिएगा सर्दी में अगर आप बाहर किसी जानवर को देखें तो उस पर कंबल डाल दीजिए, खाना दे दीजिए, कोई डोनेशन नहीं चाहिए। एनीवेज भाई लोग आज वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं बाय।